कुंवर पाठक स्ट्राइक लेते हुए, नए ओवर की शुरुआत हो रही है दूर वाले छोर से। सामन जाखड़ की गेंद और यहां पर लेंथ को आगे खींचा और पहली गेंद पर सफलता दिलाई है सामन जाखड़ ने। ये ऊपर डालने की कोशिश, बड़ी बढ़िया गैप है वहां पर, मिलेंगे चार रन पूरे कप्तान वैसे अहमद के। सामन की गेंद ऊपर डाली हुई, बढ़िया शॉट है लॉन्ग, एक बार फिर से यह शॉट अच्छा है, लेंथ बॉल थी, जल्दी से लेंथ को पिक किया और गेंद को। युगल सैनी के लिए गेंद बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आए, गेंद को निकाल दिया है फाइनल की दिशा से चार रनों के लिए। यह शॉट गेंद है पर कनेक्शन बहुत ही उम्दा है, कप्तान वैसे अहमद का बल्ला गरज रहा है। एक और बार गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। पर अच्छा प्लेसमेंट है युगल सैनी के बल्ले से, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद बैक, ऊपर डाली हुई गेंद और ये तकिया कलाम है ऑफ स्टंप के बाहर, अगर हल्का भी रूम मिलता है। इस बार बढ़िया शॉट, एक बार फिर से कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच से चार रनों के लिए। साहिल दुल उनकी गेंद और इस बार बढ़िया कनेक्शन, ऊंचा लंबा शॉट है कप्तान वैस अहमद के बल्ले से छह रनों के लिए। गेंद देने के लिए ऊपर डाली हुई गेंद एक बार फिर से हवा में, पर लंबी दौड़ लगाई है और यह मुश्किल को आसान बनाया है, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है आखिरकार। इस बार जगह बनाते हुए दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकाल दिया है कुणाल चंदेला ने चार रनों के लिए, कवर सीमा रेखा के बाहर जा। अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी और इस बार छोटी गेंद उठाकर खेला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, तेज आउटफील्ड है गेंद एक टप्पे के साथ सीमा रेखा के बाहर चार विकेट के नुकसान पे। इस बार फिर से जगह बनाते हुए गेंद को खेला है गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए, मिड विकेट संघर्ष की जरूरत है। नेवर की शुरुआत, फ्लॉप स्वीप किया है गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से छह रनों के लिए। कुणाल चौके छक्के लगाए हैं और इस सुधा की गेंद और एक बार फिर से उठाकर खेला है पर लंबाई नहीं मिली है इस बार और आउट हो जाएंगे, तो खेलने का कोई इरादा नहीं। ये अच्छी गेंद है बल्ले का किनारा पर तेज आउटफील्ड है, खिलाड़ी के बस की बात नहीं है चार रन मिलेंगे। चलो तीन ओवर में 15 रन अभी तक दिया है। ये छोटी गेंद और बढ़िया कनेक्शन है, गैप का अच्छा इस्तेमाल किया है, चार रन मिलेंगे। युगल सैनी के बल्ले से चौका निकलता हुआ जिसमें टीम एलसीसी और टीम हरियाणा के बीच, और ये गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है कलाइयों के सारे गेंद। 116 रन तीन विकेट के नुकसान पे। इस बार रिवर शॉट है, बढ़िया शॉट, बढ़िया संपर्क है, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। अंकित और इस बार अच्छा शॉट है, ये ताकत है इस बल्लेबाज की, युगल सैनी के बल्ले से कवर पॉइंट के बीच से सीमा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, चहलकदमी की है, क्रीज छोड़ के बाहर निकले अंकित डबास ने, लॉन्ग आर्म के ऊपर से लंबा छक्का मारा है एलसीसी का। इस बार बढ़िया शॉट है ऑन द अप, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पर मुकाबले को देखने के लिए। नेवर की शुरुआत, सोनू चिकारा की पहली गेंद पर बढ़िया स्वागत किया है बल्लेबाज युगल सैनी ने। इस बार ऊपर उठाकर खेला है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच पकड़ लिया है, रोहन राठी को चलता किया है सोनू चिकारा ने। ऊपर ये शॉट गेंद, ऊपर गेंद डाली है, जबरदस्त शॉट खेला है बॉलर के सर के ऊपर से छह रनों के लिए। प्रवीण कुमार के बल्ले से छक्का निकल, एक बार फिर से लॉन्ग एडल का इस्तेमाल किया, ऊंचा लंबा शॉट मारा है प्रवीण कुमार कि हम है तो। और एक बार फिर से यह बल्लेबाज है
मोहित के बल्ले से इस बार बढ़िया संपर्क है, मिड विकेट के ऊपर से लेंथ बॉल पहचाना और 6 रनों के लिए। एक बार फिर से शॉट को मिली है दूरी, 6 की मंदूरी बल्लेबाज मोहित के बल्ले से, नजदीकियों में दूर सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जब है, यहां पे सिर्फ तुम्हारा मकान थोड़ी है। मोहित ने लगातार 3 छक्के लगाए हैं और गेंदबाज मेंडी बोरा को मामूली साबित की क्या है, खुद ही सीख जाओगे, बारिश में पतंगे उड़ाया करो। और इस बार यहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में, यह विकेट गिरता हुआ मोहित आउट होकर पवेलियन टीम के लिए आखिरी ओवर डालते हुए जसप्रीत ने इस बार गेंद को निकाला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अच्छा प्लेसमेंट है। 23 रन की पारी के लिए अंत में प्रवीण कुमार ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया है, 20 रन बनाकर नाबाद रहे दीपक कुमार, 5 रन भाई गेंदबाजी विस्तार में, इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ यहां से। और नए ओवर की शुरुआत, ऊपर डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से, बढ़िया कनेक्शन है बल्लेबाज बैंक के बल्ले से, यह शॉट निकलता हुआ गेंद पवन सुयाल, उनकी गेंद बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट किया गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर, और पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद निकली है, अच्छा कट किया था वहां पर। बल्लेबाजी कर चुके हैं और नए ओवर की शुरुआत, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव मयंक के बल्ले से दंदनाता हुआ ये शॉट 4 रनों के लिए, इरादा भी नहीं दिखाया बल्लेबाज ने। प्रवीण कुमार गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से अच्छा प्लेस किया है, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बात दी अपनी टीम को 56 बिना किसी नुकसान के। जयंत लखलान पहुंचे इस चौके के सी करते हुए, विकेट दिलाई थी अपनी टीम को और यहां से बहुत जरूरत है विकेट की। ऊपर डाली गेंद और बढ़िया फ्लिक किया ऑन साइड में, मिलेंगे पूरे 6 रन और एक्स्ट्रा कवर। ऊपर डाली गेंद और ये क्लीन हिटिंग है, कोई मौका नहीं, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा, सीधे बल्ले से बॉलर बैक ड्राइव, झलक सबसे अलग दिखाई है। ऊपर डाली हुई गेंद और यहां पर फिर से पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकाला है गेंद को 4 रनों के लिए, खुशबू बनकर गुल की पार्टनरशिप हुई अभी तक। और ऊपर डाली हुई गेंद, ये शॉट पिछले से भी बेहतर है, बल्लेबाज जयंत लखलान के बल्ले से ये शॉट निकलता हुआ और शाह ओवर में 17 रन अभी तक दिया इन्होंने। और एक बार फिर से स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, हवा में गेंद और यह पहली सफलता, लगातार पिछली 2 गेंदों पर परेशान नजर आए थे बल्लेबाज, रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए जाने जाते हैं यशवर्धन दलाल। और यह शॉर्ट गेंद है, यह कड़ा रुख अपनाया है गेंदबाज के खिलाफ, सबक सिखाइए आप इस तरह की गलती। देख सकते हैं YouTube पे जाकर के ADS स्पोर्ट्स लाइव पर जाकर के इस मुकाबले का आप दर्शन कर सकते हो। इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले, कदमों का इस्तेमाल, बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ लिया है और जाना होगा, यह दूसरा विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज को जोखिम लेना पड़ेगा थोड़ा सा। इस बार बढ़िया कनेक्शन है, ऊपर डाली हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा है, इस बार मिड विकेट की दिशा में, कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई एक टप्पे के साथ, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो आज एक बार फिर से इस बड़े मुकाबले में। और एक बार फिर से पर हवा में गेंद है, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती है, अपने कदमों पे भरोसा रखो हवाओं के भर। इस बार चहलकदमी की है, कदमों का इस्तेमाल, क्रीज छोड़ के बाहर निकले, अब हवाएं तक। और ये पहली गेंद बल्ले का सिरा, भाग्य का सहारा, मिलेंगे 4 रन, जमी पे बैठ कर की वो आसमान देखता है।
और इस बार स्कूप किया है, वहां पर गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर चार रनों के लिए। बहुत ही अकलमंदी भरी बल्लेबाजी कही जाएगी। इस बार यार कराने की कोशिश, पर यहां पर गली के खिलाड़ी ने अच्छा प्रयास किया, वहां पर कैच पकड़ लिया है बल्लेबाज को। इस बार फुल टॉस गेंद निकाल दिया है, चार रन मिलेंगे। यह शॉट है, अभी लड़ाई जारी है। इस बार ऊपर गेंद, यह ताकत है बल्लेबाज की, तकिया कलाम है इस बल्लेबाज का। और यह पहली गेंद डाउन स्विंग किया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता। और इस बार फिर से उठाकर खेला है, हवा में है गेंद, खतरा हो सकता है, डाइव लगाई है जान झोंकी, लेकिन दो रन पूरे कर लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। तीसरे की कॉल की है और ये देखना होगा तीसरे अंपायर की ओर, रेफर किया है अंपायर अभिरूप सूद ने, बहुत ही नजदीकी। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, एक गेंद से 3 रन की जरूरत है इसके बाद। और इस बार उठाकर खेला है गेंद, हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और यह मुकाबला जीत लिया है एलसीसी ने, मुकाबला जीत लिया है। हरियाणा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है गेंदबाज अंकित डवास ने, यहां पर इतिहास रच दिया है और एलसीसी की टीम फाइनल में अपनी स्थान पक्का कर ली है। यह मैदान मार लिया है, क्रिकेट का रोमांच उवैस अहमद के जम्बाजों ने मैदान मार लिया है। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 3 रन की जरूरत थी और आखिर में गेंद अंक